मंगलवार को ग्राम चांदौन में स्थित मंदिर में श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चल रहे नौ कुंडीय श्री राम यज्ञ की पूर्णाहुति प्रसादी के साथ संपन्न हुई। गांव में चल रही रामलीला के अंतिम दिन रामलीला में जहां राम विवाह का अद्भुत दृश्य दिखाया गया, वहीं समस्त गांव के लोगों के सहयोग से प्रसादी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यज्ञ के अंतिम दिवस पर अखाड़ा से जुड़े खड़ेश्वरी जी महाराज एवं बालकदास जी महाराज के गुरु भाइयों सहित नर्मदा क्षेत्र के महात्माओं की बड़ी संख्या में उपस्थित रही। ये यज्ञ स्थल दृश्य कुंभ के समान लग रहा था, जहां साधु संत धुनी रमाए साधना करते नजर आए, वहीं बड़ी संख्या में गांव के एवं आसपास के श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि चांदौन के श्री सीताराम आश्रम में 14 वर्षों से भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है। भगवान के मंदिर में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चल रहे यज्ञ की व्यवस्थाओं को पूरे गांव के लोगों पूरे श्रद्धा भाव के साथ देखा। अंतिम दिवस संख्या को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं ग्रामवासियों एवं गांव की महिलाओं ने भोजन बनाने में मदद की। कथावाचक सुश्री जयंती किशोरी शर्मा ने अंतिम दिवस राम विवाह महोत्सव की कथाओं का वृतांत सुनाया। वहीं ग्राम की ओर से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दर्शन सिंह चौधरी ने ग्राम की ओर से आभार व्यक्त किया। चले ही स्वधर्म नीति सुख नीति, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवधन लक्षण हीना, और कृषि संपन्न सदा रहे धर्मी, और त्रेता भाई सतयुग के धर्मी। त्रेता में भी सतयुग कब आया था? जब मेरी गौ माता की रक्षा हो पाई थी। त्रेता में भी सतयुग कब आया था? जब ये जहर युक्त खेती नहीं थी। तो कम से कम एक संकल्प हम गांव के किसान ऐसा लें, हम मैंने अपनी माँ को कैंसर से खोया है, आप सब भी कई प्रकार की बीमारियां हर घर में है, एक संकल्प इस गांव से होना चाहिए कि कम से कम अपने खाने के लिए आधा एकड़ एक एकड़ में मैं पूर्णतः रसायन मुक्त खेती करूंगा। ये संकल्प यदि ले लिया तो आपके घर में बीमारी नहीं होगी। आपने संकल्प ले लिया गौ माता को पालने का, और उसके लिए और आगामी योजना आ रही, उनका मैं आज जिक्र नहीं करूंगा, कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज यज्ञ अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।